नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर व्यक्त की प्रसन्नता। मुख्य सचिव ने कोविड को लेकर नोडल अधिकारियों संघ की बैठक। सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। एलोपैथी, आयुष और जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार पर दिया जोर। प्रदेश सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यभर में कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने खटीमा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अल्मोड़ा और कोटद्वार में भी सरकार की सफलताओं को जनता तक पहुंचाया गया। और मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्मिकों को दी बड़ी सौगात। 24 करोड़ के मानदेय के साथ 6,74,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित। वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3,067 लाभार्थियों को दी गई 92,00,000 की धनराशि। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि एक साल से भी कम समय में हासिल की गई है। पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत पिछले साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाने का अनुरोध किया है। यह अभियान 10 जनवरी से शुरू होगा। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को यह टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नए साल के पहले महीने के पहले सप्ताह में देश ने यह अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के नए संकल्प का प्रतीक है, जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों, टीका निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद कहा है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में, ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने सचिवालय में कोविड नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी नोडल अधिकारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए। उन्होंने होम आइसोलेशन और उससे संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों को एक्टिव मोड में रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत घर, स्कूलों के साथ ही उसमें दी जाने वाली सुविधाओं को समय रहते सुनिश्चित कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि पीएचसी एवं सीएचसी लेवल तक सभी आवश्यक उपकरण, दवाएं और अन्य सामग्री पूर्व में ही उचित मात्रा में उपलब्ध करा दी जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के मुकाबले प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग द्वारा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किए गए कार्यों को लगातार जारी रखा जाए और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए। मुख्य सचिव ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन में जागरूकता के लिए लगातार प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश भर में सफाई और सैनिटाइजर छिड़काव के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को सजग करने के लिए
लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जाए। सार्वजनिक स्थलों में मास्क न पहनने वालों के साथ ही थूकने और इधर उधर कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और चालान अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 74 करोड़ 32 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 41 करोड़ 45 लाख के शिलान्यास और 32 करोड़ 87 लाख की योजनाओं के लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मोबाइल टैबलेट प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने जनहित में अनेक कार्य किए हैं। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार से राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, 2017 से हमारी सरकार चल रही है और ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। इस सरकार ने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने यहां के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। आज भी जो है यहां पर खटीमा से 41 करोड़ 45 हजार की जो योजनाएं उनका शिलान्यास हुआ है और 32 करोड़ 86 हजार की योजनाओं का कुल मिलाकर 74 करोड़ 32 लाख की योजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास हो रहा है, उसके लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा के रैमजे इंटर कॉलेज में भी राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने पर बृहद बहुउद्देशीय शिविर और विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मतदाता जन जागरूकता से संबंधित नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अल्मोड़ा क्षेत्र का तेजी से विकास किया है। 5 सालों में हमने क्या किया, क्या हमने विकास कार्य किए, 5 सालों में क्या उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धि को हम जनता के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और उनका हिसाब हम आज दे रहे कि हमने क्या क्या काम किए हैं। इसका हमने आज प्रदर्शनी भी लगा रखी है और हमारे कई प्रदर्शनियां भी यहाँ पर है और हम जनता को बताना चाह रहे हैं हमने क्या क्या किया और हमने विस्तार से जनता को बताया है। हम अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा नगर में हम 25 करोड़ का हम पानी लाए हैं, 25 करोड़ की सिवर लाइन लिया है, 8 करोड़ का हम टैक्सी स्टैंड लिया है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता ने भी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। से जो महत्वपूर्ण काम उत्तराखंड में किया गया है, वो जो जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार यहाँ पर दी है और निश्चित रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, यातायात का साधन हो, आज अपनी विधानसभा अल्मोड़ा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सड़क पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सोमिल सिंह जीना यूनिवर्सिटी का निर्माण अल्मोड़ा में किया गया है। यह हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन सबके लिए ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाली है। राज्य सरकार के 5 साल पूरे होने पर कोटद्वार के भाभर क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्री रावत ने विभिन्न सड़क मार्गों का शिलान्यास किया, साथ ही बहुप्रतीक्षित चिल्लरखाल लालढांग हरिद्वार मोटर मार्ग और टाइगर सफारी का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। श्री रावत ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र के विकास से न सिर्फ प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी बल्कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुझे खुशी है कि हम लालढांग चिल्लरखाल सड़क बनाने में कामयाब हुए हैं। आज
कर्ण आश्रम में जो टूरिस्ट बंगला है उसका जीर्णोद्धार और बहुत उसका सौंदर्यकरण, हम उस बंगले को बहुत सुंदर टूरिस्ट के लिए एक तरह से पर्यटन स्थल के रूप में आज उसको हमने विकसित किया है, उसका भी लोकार्पण हमारे द्वारा किया गया। जो सबसे बड़ी उपलब्धि आज हमारी है, भले ही अभी हम उसको पर्यटकों के लिए नहीं खोल पाएंगे, 10-15 दिन अभी पर्यटकों को खोलने के लिए और समय लगेगा, लेकिन आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए आज पाखरो टाइगर सफारी का भी लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर श्री रावत ने आशा कार्यकर्त्रियों, श्रमिकों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। सम्मानित हुए किसान क्रांति प्रसाद सहलवाल का कहना है कि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर आज वो स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रेरणा दूसरे कृषक जो बिजनौर से आए हुए कृषक हमारे बगल में खेती करते थे, उन्हें देखकर उनसे प्रेरणा लेते हुए और स्वरोजगार की ओर हमने जो है बजाय फैक्ट्रियों में धक्के खाने के इसे अपनाया, तो हमारा अनुभव इसमें बहुत अच्छा रहा। जो भी हम अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं सब इसी कृषि के तहत और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वक्त चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hey guys, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्मिकों को प्रोत्साहन और मानदेय धनराशि का एक साथ ऑनलाइन DBT हस्तांतरण किया। कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने 33,717 कार्मिकों को दिसंबर माह के लिए लगभग 24 करोड़ रूपये मानदेय का भुगतान DBT के माध्यम से किया। आंगनवाड़ी कार्मिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को के मानदेय में 1800, 1500 और 1500 रुपयों की वृद्धि की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड देश में आंगनवाड़ी कार्मिकों को सर्वाधिक मानदेय देने वाला तीसरा राज्य हो गया है। वहीं कोरोना काल में आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव से किए गए कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 2,000 रूपये प्रति कार्मिक की दर से कुल 6,74,00,000 का ऑनलाइन DBT हस्तांतरण भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3,067 लाभार्थियों को 3,000 रूपये प्रति लाभार्थी की दर से जनवरी माह के लिए कुल 92,00,000 रूपये का ऑनलाइन DBT हस्तांतरण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को राहत देने का कार्य किया गया। स्वास्थ्य, चिकित्सा, संस्कृति, परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की हर संभव मदद की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिहरी जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। टिहरी जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें घनसाली, टिहरी, देवप्रयाग, प्रतापनगर, धनौल्टी और नरेंद्र नगर शामिल हैं। वहीं जनपद में कुल 5,29,865 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जिसमें 2,71,623 पुरुष और 2,58,235 महिला मतदाता हैं। जनपद में इस बार 26,036 नए वोटर बनाए गए हैं। खास बात यह है कि 2017 की तुलना में इस बार मतदेय स्थलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जिलाधिकारी ईवाशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 24 नए पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। जिले में 951 बूथ है, 951 बूथ है, ये पिछली बार से 24 बूथ ज्यादा है और कोविड के दृष्टिगत बूथ बढ़ाने के जो निर्देश थे आयोग के, तो उन्हीं मानकों के अनुरूप बूथ बढ़ाए गए हैं। उसके अलावा जो निर्वाचन नामावली का प्रकाशन हुआ है उसमें इस बार 5,29,000 वोटर्स हैं।
26,000 नए वोटर्स बनाए गए हैं इस बार नवंबर दिसंबर में जो डोर टू डोर और स्पेशल कैंपेन चलाया गया था, तो उसमें करीब 26,000 फॉर्म 6 हमारे कलेक्ट हुए, जिसमें ज़्यादातर जो नए 18-19 साल के वोटर्स हैं तो वो भी काफ़ी बढ़ाए गए हैं जनपद में। और जितने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और आयोग के दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से हमारे जनपद में तैयारियां पूरी हैं। वही मतदान को लेकर 18 साल के नए वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नरेंद्रनगर के गैंड गांव निवासी परविंदर ने बताया कि वो पहली बार वोटर बने हैं और वो वोट देने के लिए बेहद उत्साहित हैं। मैं ऐसे प्रत्याशी को वोट दूंगा जो हमारी युवाओं की आवाज को सुने, युवाओं को रोजगार दे। आजकल आप देख रहे हैं कि युवाओं को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि युवाओं को रोजगार मिले। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी ऐसी सरकार बने जो युवाओं की आवाज को सुने, युवाओं को रोजगार दे। कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर क्षेत्र के कलाल घाटी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। साथ ही कोटद्वार में बनने वाले 50 बेड की क्षमता वाले आयुर्वेद चिकित्सालय के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से कोटद्वार की जनता के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की जनता को भी लाभ मिलेगा। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये कार्यदायी संस्था के लिए अवमुक्त करने के शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। आज 25 करोड़ इस मेडिकल कॉलेज के लिए काम शुरू करने के लिए भी आज हमने जीओ जारी कर दिया है। उसमें हमने कार्यदायी संस्था ब्रिज एंड उप कॉरपोरेशन जो भारत सरकार की संस्था है उसको कार्यदायी संस्था निर्धारित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने पहले से ही इसके टेंडर की सारी अनौपचारिकताएं पूरी कर ली थी। अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जबकि आज भूमि पूजन का मतलब है कि काम शुरू होना, क्योंकि इसका शिलान्यास दो दो बार हुआ, इसलिए हमने कहा कि शिलान्यास नहीं कर रहे हम लोग। वहीं स्थानीय निवासी राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के बनने से जहां क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, वहीं लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यहां पे जो मेडिकल कॉलेज खुलने से यहां के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको जो है यहां पर जो है मेडिकल लाभ मिलेगा। जो हमारे पेशेंट होते थे यहां पे कोटद्वार ले गए, कोटद्वार से कि डॉक्टर साहब ने कहते रेफर कर दिया ऋषिकेश के लिए, देहरादून के लिए, दिल्ली के लिए, तो बहुत परेशानियों का सामना, आम जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ये दो चीज़ें ये हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको रोजगार की सुविधा यहाँ पे हो जाएगी, व्यापार, लोगों का व्यापार बढ़ेगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर व्यक्त की प्रसन्नता। मुख्य सचिव ने कोविड को लेकर नोडल अधिकारियों संघ की बैठक। सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। एलोपैथी, आयुष और जनजागरूकता के लिए प्रचार प्रसार पर दिया जोर। प्रदेश सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यभर में कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने खटीमा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अल्मोड़ा और कोटद्वार में भी सरकार की सफलताओं को जनता तक पहुंचाया गया। और मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्मिकों को दी बड़ी सौगात। 24 करोड़ के मानदेय के साथ 6,74,00,000 रूपये प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित। वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3,067 लाभार्थियों को दी 92,00,000 की धनराशि। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।